नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है एडवोकेट सुरेश चंद्रा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब पूछना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में लाखों हजारों किताबें लिखी थी, उन्होंने आखिरी समय में अपने गौतम बुद्धा और उनका धम्म किताब लिखी थी, उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसे लोग आज जानना चाहते हैं? देखिए गणेशा जी, चूंकि बाबा साहेब तथागत गौतम बुद्ध के दिए हुए सिद्धांतों को स्वीकार करते थे, अपनी ज़िंदगी में ढालते थे और उन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम लिखे, किताबें लिखी हैं, उनके ऊपर भी लोगों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन बाबा साहेब ने राजनीतिक क्षेत्र में तो हमको सिखाया ही है, लेकिन जब जिंदगी जीने का अगर कोई तरीका सिखाया है तो वो तथागत गौतम बुद्धा का पंचशील अष्टांग मार्ग का जिक्र आता है। और ये जिक्र बाबा साहेब ने अपने अंतिम, और मैं कह दूं तो केवल मात्र 3-4 महीने पहले गौतम बुद्धा का दिया हुआ धम्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को, और बाबा साहेब का परिनिर्वाण, जिसे देसी भाषा में देहावसान कहते हैं, इंतकाल कहते हैं, डेथ कहते हैं, वो 6 दिसंबर 1956 को हुई। तो जो उससे पहले का जो अरसा है उसमें जो बाबा साहेब ने जो अंतिम अपनी पुस्तक लिखी, तो राजनीति की बात तो उन्होंने बहुत लिखी, धम्म के लिए, जिंदगी जीने के लिए, समाज को किस तरीके का अनुशासन चाहिए, किस तरह का व्यवहार चाहिए, किस तरह के तरीके चाहिए, नियम चाहिए, उनकी चर्चा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्धा के धम्म के ऊपर लिखा। और उसमें तो यहाँ तक भी बड़ा हमको एक उदाहरण मिलता है ज़िंदगी जीने का, और ज़िंदगी जीने का ही नहीं कि जब राजनीति करने का भी मिलता है, और ज़िंदगी जीने का तो ये है कि जो पंचशील का पाठ है, पंचशील का पाठ, पंचशील का सिद्धांत तथागत गौतम बुद्धा का है, उनके धम्म में है। पहला उन्होंने कहा कि मैं नशा पत्ता ना करूं, क्योंकि नशा पत्ता करने से संग लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ज़िंदगी खराब होगी। मैं झूठ फरेबी ना करूं, झगड़ा होगा। मैं चुगली ना करूं, झगड़ा होगा। मैं किसी की बहन बेटी को उसी निगाह से देखूं जैसी मेरी बहन बेटी है। उन्होंने ये भी कहा, अकारण जीव हत्या ना करूं। इस तरह की पंचशील, पांच सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध ने दिए, जिनका बखूबी वर्णन बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक गौतम बुद्धा एंड हिज धम्मा उसमें जिक्र किया। अष्टांग मार्ग का जिक्र किया उन्होंने कि सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, कि यदि मैं ये चाहता हूँ कि सारा जमाना मुझे नमस्ते बोले तो मेरी भी ज़रूरत है कि मैं सबको नमस्ते बोलूँ, सबको सम्मान दूँ। मेरा व्यवसाय सम्यक होना चाहिए कि मैं सारे जमाने को तो ये कहूँ कि शराब पीना हानिकारक है, जैसे ये सरकारें कर रही हैं, और मैं शराब की दुकान खोल करके शराब बेचूं, तो ये सम्यक व्यवसाय तो नहीं हुआ, सम्यक कर्म भी नहीं हुआ। इस तरह के सिद्धांत के ऊपर जो बाबा साहेब ने, जो तथागत गौतम बुद्धा के सिद्धांत हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए अपने अंतिम क्षणों में बाबा साहेब भी धम्म का काम कर गए। धन्यवाद के पात्र हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं कि उन्होंने धम्म भी दिया। राजनीति तो दी, धम्म भी दिया, तो सर्वोपरि धम्म दिया जिसमें अशांति के लिए कोई जगह नहीं, चुगली के लिए कोई जगह नहीं, चोरी जारी करने के लिए कोई जगह नहीं, व्यभिचार भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। पंचशील का अगर अनुसरण कर लेगा, पंचशील के आधार पर अगर चरित्र आदमी निर्माण कर लेगा, तो कहीं झगड़े फसाद और अशांति में फंसेगा नहीं और निर्माण को सुखद प्राप्त होगा।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।